Y'all can't be him. I just, you need nobody here. I just want to get nobody here. She need nobody here. Why was so hard? I some.
शांति वेलकम। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 26वां दिन तपस्या, योग के साथ प्रयोग करना और परिवर्तन की अनुभूति करना। तपस्या का अर्थ है दुख को सुख में बदलना और मान हानि को दया में बदलना। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सभी को। एवरीवन लुक्स वेरी वेल फुल। सभी बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, फुल दिख रहे हैं, संपन्न दिख रहे हैं। संपन्न है, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश दिख रहे हैं। खुशी इस बात की है कि स्वयं का परिवर्तन देख रहे हैं, अपनी हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं अपनी, और अंदर से मुझे लग रहा है कि the thoughts about self transformation, that's swadarshan chakra, स्व परिवर्तन का चक्र चल रहा है, यानी कि स्वदर्शन, looking at the self, स्वदर्शन यानी कि स्व और स्व का दर्शन कर रहे हैं और चक्र घुमा रहे हैं, अपने को देख रहे हैं चक्र, और स्व को याद दिला रहे हैं कि इस चक्र में मैं कहां आगे बढ़ रही हूं। घर जाना है पहले, फिर वापस राज्य में आना है। बाबा हमेशा कहते हैं शांति धाम को याद रखें, सुख धाम को याद रखें, सुख धाम। We are going to liberation. हम मुक्ति पाएंगे, पा रहे हैं, और हमारा इस संगम युग पर हमारा भाग्य, ऊंचा भाग्य यह है कि हमारा पहला जन्म है जीवन मुक्ति का। So today I have to remind myself, this मुझे स्व को ये याद दिलाना है कि ये मेरा पहला जन्म है जीवन मुक्ति का, गोल्डन एज, राइट, यानी कि सत्ययुग का। इंटरेस्टिंग एट कॉन्फ्लुएंस एज, इतनी दिलचस्प बात है कि इस संगम युग पर कैन गो बैक, आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं कलयुग, राइट, और फिर से वापस जाकर कलयुग से भी प्रभावित होते हो। संगम युग में दोनों ही प्रभाव है। टेकिंग अस टुवर्ड्स गोल्डन एज, संगम युग पे हम सत्ययुग की तरफ भी बढ़ते हैं और इस कलयुग से बाहर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तमो से सतो की तरफ बढ़ रहे हैं। So we have to be joyful but also careful. तो हमें खुश भी रहना है लेकिन ध्यान भी रखना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हम शरीर के अंग से भी प्रभाव होते हैं और वो कहीं से प्रभाव आ रहा है और उन देह अभिमान के संस्कारों को जैसे कि जागृत करते हैं, पुराने संस्कारों को जागृत कर रहे हैं। खास करके जब बाबा कहते हैं दृष्टि के बारे में, आंखों के बारे में, greed, it could be of attachment, चाहे लोभ का हो, मोह का हो, and mouth is our words, right? और मुख से शब्द कह देते हैं। It is I see something, then I say something. मैं कुछ देखती हूँ, फिर कुछ कहती हूँ, and after saying और कहने के बाद
फिर जब किसी को दुख होता है या आपको दुख होता है क्योंकि आपने धोखा खाया. If I give blessings, अगर मैं दुआएं देती हूँ तो दुआएं मिलेंगी. But if my words are ordinary, लेकिन अगर मेरे शब्द साधारण हैं, bring any blessings and happiness, तो फिर उसमें से दुआएं और खुशी नहीं मिलेगी, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा. So listening to Baba, बाबा को सुनना, अपने को याद करना है. Stop spinning now, right? कि चक्र में घूमना बंद करना है. Because when we stop somewhere, we break that. क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम उस आदत को रोकेंगे चक्कर लगाने को, exit, यानी कि मैं बाहर आ जाती हूँ उससे. फिर and then I move towards the life of, और फिर मैं liberation, मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ रही हूँ. Understanding and it's very interesting, but if you समझ की बात है और दिलचस्प बात है कि अगर कभी भी ऐसा फील होता है जीवन में कि ये मेरा पहला जीवन है सत्ययुग का. In golden age, everything is consistent. सत्ययुग में सब कुछ निरंतर है. खुशी, शांति, प्रेम, भाग्य पूरा है, पूर्णता है, कुछ भी कमी नहीं है. When we used to look at Dadi Prakashmani, जब हम दादी प्रकाशमणि को देखा करते थे, she herself, but we felt she is so, so fortunate. उन्हें खुद को भी लगता था और हमें भी लगता था वो कितनी भाग्यशाली है. उनका हर एक संकल्प got in practical accomplished, not just this thing. परिपूर्ण हुआ. प्रैक्टिकल में परिपूर्ण हुआ. सिर्फ सोचने वाली बात नहीं थी, वो सारे कार्य संपन्न हुए. Saved and increased and क्योंकि उन्होंने इतने जमा का खाता बढ़ाया था. जबर स्लोगन नहीं. So I think स्लोगन था वो. हाँ, take it little bit more attentively. मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कल और देखें जीवन मुक्ति को कि कैसा जीवन मुक्ति जीवन हम जी रहे हैं. जीवन जो खुशी से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, शुभ भावनाओं शुभकामनाओं से भरपूर है, and liberated from spinning. और मुक्ति पाली हमने चक्कर में घूमने की. क्योंकि स्थूल रूप में भी अगर आप देखें, कभी कभी देखते कि बुद्धि में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है. Concentrate, you're not still. यानी कि आप स्थिर नहीं है, स्पष्ट नहीं है. और ये भाव है बाहर का. People will say what they want to say, right? लोग तो कहेंगे उन्हें जो भी कहना है. Take only what is right, right? लेकिन आपको वही लेना है जो सही है. Well, that's your सही नहीं है. Thinking, that's what you think. उसे लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. वो तो वो सोच रहे हैं. आपको सत्यता का आभास होना चाहिए कि सत्य क्या है. Thinking that. और आज मैं सोच रही थी, much our faith is real in Baba. हमारा बाबा में निश्चय होगा. ऐसे नहीं कि सिर्फ बुद्धि. जितना अटल निश्चय बाबा पर होगा, उतना ही बाबा फिर उपस्थित रहेंगे. आपको रिटर्न में जवाब भी मिलेगा. एनीथिंग वी डू, कुछ भी हम करें. If you look at, we all have picture of Baba, right? Brahma Baba. अगर आप देखेंगे हमारे पास सभी के पास ब्रह्मा बाबा का पिक्चर है. अगर मैं उसे देखूं कि वो चित्र है या मेरा बाबा है. While looking, if you have feeling, this is my Baba. देखते समय अगर आपको फीलिंग है कि ये मेरा बाबा है. You will see how Baba is seeing you, smiling. देखेंगे बाबा आपको कैसे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं आपको. So when it's real faith, you know, तो ये like amongst ourselves, निश्चय
for each other. We see each one. जैसे हम एक दूसरे के ऊपर निश्चय रखते हैं, response. विश्वास है कि हाँ इसका हमें फिर जवाब जरूर मिलेगा. Same is looking at Baba. उसी तरीके से बाबा को देखें. My teacher, मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, सद्गुरु है. So little attention on not तो being influenced, as Baba said, not allowing that spin. बाहर से प्रभावित न हुए, वो चक्कर में न पड़े. But also paying attention to experience जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति का भी अनुभव करें, उस पर भी ध्यान दें. Taking, not taking sorrow or changing. दुख नहीं लेना या दुख को खुशी में बदल देना, सुख में बदल देना. Whatever reason one जो भी कारण हो or sorrow. या हमें दुख की अनुभूति होती है. That means I'm losing hope. I'm getting disappointed. यानी कि फिर मैं आशा नहीं है मुझ में. मैं जैसे कि निराश हो रही हूँ, दिल शिकस्त हो रही हूँ. Your circumstances, situation. लेकिन जो भी आपकी परिस्थिति हो, you have to be strong. आपको उनसे मदद मिलेगी, शक्तिशाली बनने की. और समझना है कि मुझे क्या करना है. See and speak. देखकर, सोचकर बोले. Not being deceived, right? Even if you blame or you complain, but अगर आप किसी को इल्जाम भी देते हैं या कंप्लेन भी करते हैं, तो मदद तो उससे नहीं मिलती है ना. उससे कुछ बदलने वाला नहीं है. लेकिन अगर मैं खुश रहूं और मुझे खुद के लिए ही रचना करनी है. आज बहुत सुंदर एक आर्टिकल था ज्ञानामृत में. Success is in our abilities and capacities. हमारी सफलता हमारी क्षमता में है. हमारे में कितनी खूबियां हैं, योग्यता में ऊपर है. Keep doing homework. पढ़ाई करते समय करते रहें, होमवर्क करते रहें, अपने वाइब्रेशंस बढ़ाते रहें. So that Baba can. ताके बाबा मुझे यूज कर सके. So lot of all the attention really. तो सारा ध्यान देना है स्व के ऊपर. And that's what Baba tells us in every morning. बाबा हमें यही बताते हैं. And definitely, you know, Baba's last murli about Baba ki pichli murli jo thi, being loving but also detached is very important. Niyara aur rehna bahut zaruri hai. Being loving but detached. Pyara rehna hai, lekin niyara bhi rehna zaruri hai. For the self. Aur agar ab pyare rahenge sirf swa ke liye, care for everyone who is around you. भी रहना है, प्यारा भी रहना है, जो भी चारों तरफ जो भी हो हमारे. Allowing or having, giving freedom is different. Freedom देना अलग बात है, लेकिन जुड़े रहना वो भी बहुत जरूरी है. Some always have feeling, it's godly family. कभी कभी किसी को ये फीलिंग होती है कि ये ईश्वरीय परिवार है, हमें साथ में रहना है. Some have that in thoughts, but not in practical. किसी को संकल्पों में है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये नहीं है भावना. So I think you all must have experienced today. तो मुझे लगता है आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि व्यर्थ संकल्प नहीं है. बहुत सारा ध्यान देना है. Anywhere we go, what people कहीं भी want, हम जाएं, लोगों को क्या चाहिए. We want your blessings, we want good blessings. हमें वरदान चाहिए, दुआएं चाहिए, शुभ भावनाएं चाहिए, शुभ कामनाएं चाहिए. Generally,
We say doctors are good. I hear doctors. ज़्यादा करके doctors भी यही कहते हैं. Good patient. She doesn't make sound. She's so still. Okay. And you, it helps, no? If I am calm, peaceful. डॉक्टर कहते हैं कि अरे आप कितने शांत हो, अगर मैं भी शांत हूँ तो डॉक्टर नर्स सभी चारों तरफ वो भी उन्हें भी शक्ति की अनुभूति होती है फिर. So whether it is stillness, bodyless state, स्थिरता हो, अशरीरी स्थिति हो या आप सहन शक्ति का हो उसे जो भी सको दूसरों को भी उससे ताकत मिलती है, शक्ति में अकेली अनुभूति होती है. और मुझे नहीं लगता हमारे दिल में हमें कभी भी किसी के लिए नफरत होती है. Because everyone wants to be a good person, but doesn't know what to do. अच्छा व्यक्ति बनना है, लेकिन पता नहीं है कि क्या करूं. Doesn't know how to do it. One is what. पता नहीं है कैसे करूं. एक है क्या करूं, दूसरा है कैसे करूं. तो उन्हें दया की भी जरूरत है और शुभकामनाओं की भी जरूरत है. Because thinking sometimes is very subtly influenced by संस्कारों. कभी-कभी सूक्ष्म में भी संस्कारों से प्रभावित हो जाते हैं. So we pay attention. तो हम ध्यान देते हैं कि हमारी सोच जो है इन प्रभाव में ना हो, इन प्रभावों से मुक्त हो. और बाबा कहते हैं हमारा अनादि और आदि स्थिति and that is moving forward, right? और वो है आगे बढ़ते रहना. And one feels what one has accumulated all day. और कभी अनुभूति भी होती है कि हमने क्या जमा किया है. Every hour, few minutes. हर एक घंटे में कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए एक संकल्प लेना, staying in that stage. उसका अभ्यास करना और उस स्थिति में टिके रहना बहुत मदद मिलता है कि उसका स्वरूप बने, जमा करें. बाबा, you know, he has unlimited children. बाबा तो बेहद के बच्चे हैं, लेकिन उनका ध्यान हर एक बच्चे के ऊपर है. कैसे मैनेज करते हैं अपनी आंखों से सबको देखते हैं. जब मैं भोग ऑफर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने सबके साथ जुड़ गए हैं, सबके साथ कनेक्शन है बाबा का. It's not easy to understand how he does because he is God. सहज नहीं है समझना कि वो कैसे करते हैं, लेकिन करते हैं. Incorporeal has no limit. There's ocean. निराकारी है, बेहद का है, दाता है, सागर है, भाग्य विधाता है, निस्वार्थ है. He adopted us. We are his children, and he wants us to be. हमें गोद लिया, हम उसके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने. Like Baba. But he's saying बड़ा लक्ष्य है कि बाबा समान बनना, लेकिन वो हमारी मदद भी कर रहे हैं. सब कुछ इतना सहज बना रहे हैं, नेचुरल बना रहे हैं. It's human. We should be like that. कि वो जैसे के कोई व्यक्ति है और हम उनके जैसे बने. और हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं अपने में कि हम पहले क्या थे, क्या कैसा सोचते थे, क्या कैसे देखते थे. सब कुछ कितना तमोगुणी था. Comparatively now, definitely it's very different. उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो बहुत ही अलग है अभी हम. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट है. जब आप लौकिक लोगों को देखते हैं और जब आप तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि हम कितने अलग हैं.
incognito, humble. लेकिन हम गुप्त रहते हैं. Not to make them feel. बहुत ही मीठे और नेचुरल रहते हैं, बहुत ही निर्माण रहते हैं, क्योंकि वो भी अपना पार्ट बजा रहे हैं. And also same, they want to be happy. They want to keep everyone happy. वो भी चाहते हैं कि वो खुश रहें, सबको खुश रखना चाहते हैं. शायद उनकी खुशी बातें करने से, खाना खाने से, या आपस में साथ में रहने से उनको खुशी मिलती है. To do physically. लेकिन वो भी खुशी से करते हैं स्थूल रूप में जो भी उन्हें करना है. Thoughts, we remain bestowed. लेकिन हम संकल्पों द्वारा दाता रहते हैं. Good wishes, mercy, शुभ भावनाएं, दया, बेहद का प्यार, constantly blessings, और निरंतर दुआएं देना अपने संकल्पों द्वारा. Tomorrow we will look at, तो कल के लिए हम देखेंगे क्या देखेंगे. We will be doing tomorrow. क्या कर रहे हैं हम कल. Transformation, changing, परिवर्तन, joy, दुख को सुख में परिवर्तन करना, and any kind of negative feelings. और जो भी negative feeling हो या मान हानि को दया में बदलना. Give love, और सिर्फ स्नेह देना, दुआएं देना और शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देना सभी को. ओम शांति. वेलकम. ओम शांति. आप सबका स्वागत है यात्रा में मम्मा की मुरली, जो के खजाना है विजडम का, जो जिनके भाग्य में था लक्ष्मी बन. अभी तो दृष्टि मिली है हा? त्रिकाल दर्शी बाप ने तीनों कालों का अभ्यास कर करके नॉलेज क्लियर दिया, और इसी बातों को लेकर करके अच्छी तरह से कोई सोचे और समझे बैठ सके तो आएगा उनको कि हाँ, क्योंकि अभी तीन काल की दृष्टि मिली है. तीनों कालों को काल समझते हो ना, टाइम काल कहा जाता है टाइम को. तो अभी तीन काल यानी आदि, मध्य, अंत. ये हम आदि कहाँ से आए, फिर कैसा मध्य में फिर चेंज आया, ये माया का राज्य आया, फिर कैसे अभी उसकी भी एंड होगी ना. आई है जो चीज, फिर जाएंगी भी, जिसको आना है वो जाना भी है. ये तो अनादि चक्र का खेल ही है. तो माया का राज आया ना, ऐसे तो नहीं है ना शुरू से सदा से ही था. आया आया तो फिर जाएगा भी ना, फिर जैसा था वैसा होगा. ये तो गीता में भी वर्णन है कि ये राजे और हम और तुम आगे भी थे, मिले थे, अभी भी मिले हैं, फिर मिलेंगे, ऐसा कहा है नहीं. तो ये रिपीट होता है और ये कैसा चक्कर चलता है, इसी सभी राजों को भी समझना है नहीं. तो ये अभी आई है, ये कलयुग कई बार आया है, फिर ये होगा करके फिर सतयुग बना है. तो सतयुग का भी तो जरूर टाइम, जैसे कलयुग का भी टाइम चला है नहीं, इतना टाइम चला है हम इस तमो प्रधान अवस्था में होते. दुख शांति को आज की थोड़ी है, चलती आई है, बढ़ती 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 चलती जाए. इसी तरह से हमारा सुख शांति का भी तो जनरेशन में चलने का होगा ना समा. तो ये सभी चीजों को बार बार करके समझाती है कि इन सब बातों को, नियमों को, हर चीज का अपना अपना नेम है. आकाश किस तरह का है, इसका अपना नेम है. पानी का अपना है नेम, पृथ्वी अपना है, हर एक चीज जो बनावट है उसका अपना अपना है. इसी से कैसा होता है, इसका भी परिवर्तन, ये सभी बातें. तो बाप कहते हैं हर चीज को, हर जैसी है उसी को वैसा जानना, उसको कहा जाता है ज्ञान. ऐसे नहीं है, ऐसी है, उसको कैसे भी जाने.
कुछ भी समझे, ये कोई समझदारी होती है हाँ, ये क्या है कौन है इसको हम क्या भी कहें क्या भी समझे तो बस ये समझ है नहीं, जो है जैसी है जो 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 है उसी को उसी तरीके से समझना, भाई हमको पहचान है इसकी, भाई ये हाँ कौन है, ये फलाना है ये फलाना है, तो जो जैसा उसकी जैसी जैसी ओरिजिनल जो है वो पहचान, कोई पहचानते है नहीं, बाकी कैसे भी जाने का बस हाँ ऐसा नहीं है ऐसा, कैसे भी जानो कुछ भी समझो तो ऐसे ही बस ऐसे ही जानना, उसको जानना तो नहीं कहेंगे, इसीलिए परमात्मा ने भी कहा है कि मैं जो जैसा हूँ मुझे उसी तरीके से ही जानना, उसका नाम ही तो ज्ञान है, तो इसीलिए वो यथार्थ नॉलेज और यथार्थ समझ जो जैसा है उसकी नॉलेज तो मैं ही दूंगा नहीं, मैं अपनी भी दूंगा और दूसरों को भी मैं दूंगा, तो मेरी क्रिएशन है नहीं, मैं जानता हूँ सबको, मैं तो सबको जानता हूँ, मुझे मुझे ही तो भूले हो ना, हा? अपने को भी भूले हो तो मुझे भी भूले हो, अपने को ही नहीं जानते तो मुझे क्या जानेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है तो गॉड रियलाइजेशन क्या होगी, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, सेल्फ को नहीं जानते तो गॉड को क्या जानेंगे, तो अपने को ही नहीं जानते, अपने को नहीं जानते हो तो तुम्हारे लाइफ से सिद्ध है, अगर जानते तो लाइफ तुम्हारी खड़ी होती अच्छी, हाँ बाप ऐसा कहेंगे ना, अगर सेल्फ रियलाइजेशन है कि हाँ मनुष्य क्या है तो मनुष्य की लाइफ कितनी ऊंची होती, नहीं जानते हो तभी तो दुख अशांति में, पर तुम्हारा न जाना तुम्हारे लाइफ से सिद्ध है, हाँ तुम्हारी लाइफ दुख अशांति में पड़ी है वही सिद्ध दिखलाते हैं, तुम अपने लाइफ को नहीं जानते, तो जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है वो गॉड रियलाइजेशन क्या करेंगे, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने को समझो अच्छी तरह से, और तुमको तुम्हारी समझ और मैं अपनी समझ नहीं दे सकता, तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते और अच्छी तरह से बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का अभी लगा और लगा कर सकते हो बाप से, अच्छी तरह से विगत का वर्षा प्राप्त करो तो लेना चाहिए ना, तो लग जा, बाकी ऐसी ऐसी बातों में मोजने की तो कोई बात ही नहीं है, बाप है बाप से अपना लेना है, लेना भी जरूर, कर्म अच्छे करेंगे तब लेंगे, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा, हाँ बाप है तो क्या ऐसे ही देगा नहीं, ये बाप वो बाप भले कहे क्या जैसा वैसा चलो आप ना ले, ये बाप तो फिर है इसका है ही क्या तो बनेगी, इसीलिए तो बाप ने बैठकर करके कहा नहीं बच्चे ये सब विकारों को और इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों से निकलो, तो ये सभी समझने का है ना, आकर करके बुद्धि योग हटाती है, छोड़ के कहा जाएंगे दुनिया में तो होंगे नहीं, छोड़ के कहा जाएंगे इधर भी जाएंगे दुनिया में तो होंगे ना, परंतु बाप कहते बुद्धि से इसकी आसक्ति ममता छोड़ो, तो बुद्धि से छोड़ेंगे तो फिर तुम्हारे बुद्धि बल से फिर प्रैक्टिकल में नई दुनिया बसाऊंगा, इधर हटा तेरे लिए नई दुनिया बनाऊंगा, तो अभी देखो नई दुनिया बना रही है, अभी चलना है नई दुनिया में, उसके लिए देखो बाप भी या बनाने वाला भी नया, कोई मनुष्य तो नहीं है ना, इतना समय हमको मनुष्य सुनाते हैं, अभी उनकी सुनते हैं परमात्मा की, कैसे करें हम शुक्रिया हम तेरे उपकार का, अब हम अपना होमवर्क सुनेंगे कल के लिए। डियर एंजल सिस्टर, स्वागत करती हूँ हमारी फरिश्ता बहन गायत्री बहन का। गुड इवनिंग एवरीवन, ओम शांति। गुड इवनिंग आप सभी को, ओम शांति। टुमॉरोज होमवर्क, यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, होमवर्क है हमें द ब्रीफ वन फॉर यू, and we're talking about tapasya in terms of transformation of sorrow to happiness and deformation into mercy.
And brief context to understand this is that as the door, tapasvi soul. So what is it called to understand? A tapasvi soul will understand the secrets of blessings. Because the more you hear blessings, the more the apron of your intellect will be filled. जितना आप उसको शेयर करेंगे उतना ही आपकी झोली और भी जाएगी. To show mercy and विधाता से तो requires an intellect that's full of blessings. और दुख को सुख में बदलना उसके लिए बुद्धि वरदानों से भरपूर होनी चाहिए. Attitude and then through the atmosphere. वृत्ति से because the power of the soul to do this हम लोग परिवर्तन लाते हैं क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है वो तब होगी जब मुझ में ये स्मृति होगी कि मैं father एक दयावान बच्चा हूँ एक दयावान बाप का तो बाबा के साथ वो संबंध रखे एक नामी तो मैं मनसा सेवा के द्वारा ये सारे वाइब्रेशंस शक्तियाँ फैलाती हूँ जो दुआओं की जरूरत है वरदानों की जरूरत है जैसे कि मैं दुख को सुख में बदल लूं और फिर उसको दया में बदलूं तो मानहानि यानी कि आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है आपको कोई नीचा दिखा रहा है तो मानहानि उसको कहते हैं तो मुझे अपने में वो दया रखनी चाहिए तो वो शक्ति से ही प्राप्त होती है जो बाबा से हमें मिलती है वरदानों से प्राप्त होती है और वो मनसा सेवा द्वारा मैं सारे वायुमंडल में अपने वृत्ति के द्वारा फैलाती हूँ और अन्य आत्माओं तक भी वो पहुँचती है और ये परिवर्तन फिर आता है So tapasya means tapasya का अर्थ है दुख को सुख में बदलना और मान हानि को दया में बदलना into mercy. So the nature of I the soul will be one before I could even give the blessings. आत्मा का नेचर जो होना चाहिए when they're giving me sorrow or giving me deprivation. जब मैं वरदान दूँ खास करके जब वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं मुझे नीचा दिखा रहे हैं तो ये एक गहराई से मुझे उन पर दया रखनी है कि उनमें ये क्या कमियां हैं जो वो ऐसे कह रहे हैं और मुझ में ये फीलिंग्स आ रही है तो मुझे खुद के लिए भी केयरिंग होना चाहिए फिर ही मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ तो नेचर होना चाहिए केयरिंग का ताकि मैं शेयर कर सकती हूँ तो संस्कार होने चाहिए वो देने के दाता के is so overflowing that I always मेरे बुद्धि का जो झोली है वो ऐसे एकदम बह रही है ओवर बह रहा है सभी के ऊपर बहुत ज्यादा बरसा रहे हैं दाता बनकर दे रहे हैं तो बाबा मेरी झोली और भरते जाएगा for tomorrow and of course you could choose whatever awareness you want to have I'm just giving you the awareness point as something लेकिन स्मृति है to your 10 minutes Every आप 10 मिनट का कर रहे हैं हर एक घंटे में या जितने भी बार आप करते हैं योग में जाते हैं तो आप ये स्मृति रखेंगे very beautiful awareness that we should have which is connected to बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं स्मृति वो so the blessing दाता के साथ जुड़े रहे apron tomorrow the apron of the बाबा हमारे हमें ये वरदान दे रहे हैं So the blessing that बुद्धि की झोली में यह भर रहे हैं कि the bestower of पिता जो वरदाता है मुझे वरदान देते हैं कि स्नेह की मूरत हर पल बने रहे हर आत्मा के लिए और हर परिस्थिति में बहुत ही सुंदर वरदान है कि आप हर पल हर आत्मा के लिए स्नेही मूरत स्नेह की मूरत बन के रहें तो ये स्मृति रखें कल के लिए और हमें मदद मिलेगी परिवर्तन करने के लिए जो स्मृति रखें
तो तपस्या इस तपस्वी मुहूर्त में बने रहे. So when we go into our 10 minutes starting at 3:30 in the morning and concluding at 9:30, जब शुरू करेंगे और रात को 9:30 जब the accurate method, ये, the right method, ये accurate method, एकाग्रता, याद रखना, concentration, एकाग्रता, intellect and determination, बुद्धि के एकाग्रता, संकल्पों की दृढ़ता हो, मन की दृढ़ता हो, everything else, एक नाम ही रहेंगे, एक बाबा से जुड़े रहेंगे. We will be constant stage, and that constant stage, निरंतर स्थिति, एक ही स्थिति में टिके रहेंगे. To be a stage, दाता की स्थिति हो, कैरिंग की स्थिति हो, या फ्राक दिल की स्थिति. I thought to experiment with the solitude of love. अंत में रहेंगे. There is a solitude that love gives to us as well. The solitude, if you see it as a space, I'm in a space. And then, of course, the charge. Remember, you are balancing your head and your heart. You're balancing being a master and being a child. So tomorrow, look and see what is emerging. Look at this whole thing. कल प्रयोग करें इस स्थिति का और देखें कि क्या emerge हो रहा है. Of pure feelings. और वरदान दे. How a caring sanskar is. If I have a caring sanskara, how does it get expressed as good wishes, as pure feelings, as जब blessings? मेरी सत भावना होगी सबके तरफ तो मैं सबको दुआएं दूंगी और अपना चार्ट लिखेंगे मास्टर बनकर. How it emerges out of you with love and humility. But also if you so want to be the child, give it an expression, an artistic expression. कितना प्यार इमर्ज humility and your देखें. तो आप वो लिखें अपने चार्ट में आपका भूलापन और आपकी क्रिएटिविटी. आप उसका दिखा सकते हैं. कल का होमवर्क है ये आपका. नाउ कल का होमवर्क the experience of Baba's room and today we're going all the way to का अनुभव करेंगे and we're going साउथ अफ्रीका चलते हैं. जोहान्सबर्ग में बाबा के कमरे में चलते हैं. Into that silent space and connect silence mein aap tik jaye aur shubh bhavnaon radiating shubh kamnaon dwara jud jaye aur baba ki drishti se jo vibrations phail rahe hain wo anubhav kar rahe hain transformation of sorrow to brahma baba ko hum follow kar rahe hain. कैसे उन्होंने किया दुख को सुख में बदला और मानहानि को दया में बदला. क्योंकि उन्होंने तो बहुत मानहानि का सामना किया तो पिता ब्रह्मा का अनुसरण करें जो दयालु व्यक्ति है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूक्ष्म तरीके से आत्माओं की लगातार मदद करते हैं. वो जानते हैं कि केवल शिक्षाएं काम नहीं करेंगी इसलिए शिक्षाओं के साथ साथ उनके पास शुभ कामनाएं और दया भी थी. इस संयोजन ने सब कुछ आसान बना दिया. तो बहुत सुंदर है कैसे ब्रह्मा बाबा ने कौन सा रास्ता अपनाया. तो उन्होंने भी बहुत सारी मानहानि का सामना किया था तो उन्होंने ये कैसे किया. तो अब जोहान्सबर्ग में चलते हैं बाबा के कमरे में.